देश के आर्थिक वृद्धि दर का आंकड़ा 2006-2007 में 10.08% रहा, जो कि उदारीकरण शुरू होने के बाद का सर्वाधिक वृद्धि आंकड़ा है। यह आंकड़ा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है। आधिकारिक आंकड़ों में जानकारी दी गई है, आज़ादी के बाद देखा जाए तो सर्वाधिक 10.2% आर्थिक वृद्धि दर 1988-89 में रही। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित कमेटी ऑफ रियल सेक्टर स्टेटिक्स ने पिछली श्रृंखला में 2004-2005 के आधार पर जीडीपी आंकड़ा तैयार किया। यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी की गई। रिपोर्ट में पुरानी श्रृंखला 2004-2005 और नई श्रृंखला 2011-2012 की कीमतों पर आधारित वृद्धि दर की तुलना की गई है। पुरानी श्रृंखला 2004-2005 के तहत सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर मूल पर 2006-2007 में 9.57% रही। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नई श्रृंखला 2011-2012 के तहत यह वृद्धि दर संशोधित होकर 10.08% रहने की बात कही गई। साल 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद यह देश की सर्वाधिक वृद्धि दर है। रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर लिखा है, जीडीपी श्रृंखला पर आधारित आंकड़ा आ गया है। यह साबित करता है कि सप्रसंग शासन के दौरान औसतन 8.1% की वृद्धि दर मोदी सरकार के कार्यकाल की औसत वृद्धि दर 7.3% से अधिक रही। SPN9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।